दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा बैगन का फसल। और अगर आप लोग सही तरीके से देखेंगे तो मेरा बैगन का फसल का क्वालिटी देख सकते हैं, कितना शानदार क्वालिटी का फसल है। साथ ही साथ पत्ते का हरापन की बात किए जाए या फिर पत्ते का शार्पनेस की बात किए जाए तो कितना शानदार क्वालिटी का देखने के लिए मिल रहा है। तो आखिर हमने इसके अंदर क्या ऐसा डाला है, तो हमने इसके अंदर डाला है धानुका एग्रीटेक कंपनी का वेट सीट को। तो दोस्तों वेट सीट ना तो एक इंसेक्टिसाइड है, ना तो एक पीजीआर है, ना तो फंगिसाइड है, और हर्बिसाइड तो है नहीं। लेकिन वेट सीट होता क्या है और वही आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। और आप लोग देख ही सकते हैं, दो दिन पहले हमने मतलब मेरा बैगन की फसल के अंदर कीड़ा का प्रकोप हो चुका था, लेकिन उसके लिए हमने सुमीप्रेम को छिड़काव करने जा रहे थे, लेकिन कोई बोल दिया कि भाई इसके अंदर एक बार आप लोग वेट सीट को डालकर देखिए। और तब हमने वेट सीट को हमने मतलब उसके अंदर डाल करके छिड़काव कर दिया। और दो दिन बाद हमने जब बैगन की फसल के अंदर यहाँ पर आके देखा, देखकर मेरा होश उड़ गया है। और हमने सोचा क्यों ना भाई ये जानकारी आप लोगों को भी बता दिया जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और इसलिए आज हम बात करेंगे धानुका एग्रीटेक कंपनी का वेट सीट के बारे में। वेट सीट क्या है, वेट सीट को हम लोग कौन सी फसल में छिड़काव कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको कब कैसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना डोज रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो आती है भाई इसका लाभ क्या मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है, और ए टू जेड आज आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्डशीट एक्चुअली होता क्या है। तो वर्डशीट एक वर्ल्ड का नंबर वन इफिकेसी इनहेंसर है, यानी कि नंबर वन कार्यप्रणाली वृद्धि कारक है। तो वेटसीट एक्चुअली धानुका एग्रीटेक कंपनी का एक यूनिक टाइप का प्रोडक्ट है, जो कि ओरोवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और ये वर्ल्ड का पेटेंट प्रोडक्ट है, जो कि धानुका एग्रीटेक इसका मार्केटिंग कर रहा है। तो दोस्तों वेटसीट आप लोग एक बार किसी भी फसल में छिड़काव जब करेंगे तब तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन दो दिन बाद जब आप लोग अपनी फसल के अंदर देखने जाएंगे तो आप लोगों का रिजल्ट देखकर होश उड़ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो तो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वेट सीट को हम लोगों को कौन सी फसल में क्यों यूज करना है। तो दोस्तों वेट सीट को अगर आप लोग चाहे कोई भी फसल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने बैगन की फसल में छिड़काव किया है, तो आप लोग अपना किसी भी फसल के अंदर छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि मिर्चा, टमाटर, कपास हो गया, या फिर सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, यानी कि फूलवर्गीय फसल हो गया, या फिर अगर चाहे बात किया जाए फ्रूट की तो फलवर्गीय फसल बात किया जाए, सभी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्डशीट को हम लोगों को फसल में छिड़काव करने के बाद एक्चुअली हम लोगों को क्या इसका लाभ देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसका क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला तो ये दवा का तेज एवं तिक्त महक को छुपाता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा खुशबू दिया गया है, बहुत ही अच्छा महक दिया गया है, जिससे क्या होता है दवा का तेज एवं तिक्त महक को छुपाने के कारण मतलब किसानों को फसल के अंदर छिड़काव करने में परेशानी नहीं होता है। तो ये तो हो गया पहला फायदा। अब जो दूसरा फायदा होता है, जब आप लोग फसल के अंदर इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया, या फिर पीजीआर हो गया, या फिर हर्बिसाइड को आप लोग छिड़काव करते हैं, तो उसका कार्यप्रणाली क्षमता को बहुत ही अच्छा बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो 100% मिलता है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये जो है ये एक टॉनिक के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा महक दिया गया है। तो अगर आप लोग इसको फसल में इसके साथ छिड़काव करते हैं, इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया, चाहे पीजीआर हो गया, चाहे हर्बिसाइड हो गया, उसके साथ मिला करके छिड़काव करते हैं, तो उसका तो कार्यप्रणाली को क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये पौधे में बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खी ले आता है, जिससे क्या होता है मधुमक्खी ज़्यादा जब आएगा तो पौधे में ऑटोमेटिकली फूल की संख्या बढ़ेगा, और ज़्यादा जब फूल आएगा पौधे में तो ऑटोमेटिकली फ्रूट भी सेटिंग ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और फ्रूट सेटिंग भाई ज़्यादा मिलेगा तो पैदावार भी ज़्यादा मिलेगा, जिससे किसानों को बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रिजल्ट मिलता है। तो ये तो हो गया दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या होता है कि ये एक स्टिकर रूप में भी काम करता है फसल के अंदर, क्योंकि जब आप लोग किसी भी फसल में दवा का छिड़काव करते हैं तो नॉर्मली आप लोग जो स्टिकर यूज करते हैं तो उससे ये बहुत ही कई गुना बेटर ये स्टिकर काम करता है, और साथ ही साथ ये टॉनिक के रूप में तो काम करता ही है, जो कि आप लोगों को पहले ही बता दिए। और सबसे बड़ी बात जो आती है, सुबह की ओस की सूखने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे में फंगस का प्रकोप बिल्कुल कम देखने के लिए मिलता है। और इसका और एक फायदा मिलता है, वेटसीट सिस्टेमिक दवा को पौधे के अंदर भेजने के लिए सहायता करता है, जिससे सिस्टेमिक दवा को छिड़काव करने के बाद इसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। सिस्टेमिक दवा एक्चुअली क्या होता है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। दवा दो प्रकार की होता है, एक तो कॉन्टैक्ट और एक सिस्टेमिक। कॉन्टैक्ट यानी कि क्या होता है, जैसे आप लोग फसल में छिड़काव करते हैं तो ऊपर ऊपर में ये काम करता है, जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट देता है। लेकिन सिस्टेमिक दवा जो होता है वो पौधे के अंदर चला जाता है और अंदर से ही काम करता है, जिससे ये धीरे धीरे काम करता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग तक काम करता है। और उसमें अगर आप लोग वर्डशीट को डाल देते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो और भी कई गुना बेटर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसलिए आप लोगों को बताते हैं, जब आप लोग सिस्टेमिक दवा को छिड़काव करते हैं तो वर्डशीट को जरूर डाला कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
आप उसके साथ साथ इसका और भी बेनिफिट्स देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये एक टॉनिक के रूप में भी काम करता है। उसके लिए क्या होता है, पौधे में बहुत ही ज़्यादा हरापन देखने के लिए मिलता है, बहुत ही अच्छा ग्रीननेस देखने के लिए मिलता है और फल का क्वालिटी, फल के अंदर चमक भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ वेट सीड को फसल में छिड़काव करने पर रेन फास्टनेस का जो कार्य क्षमता होता है उसको भी बढ़ाता है। क्या होता है कि बारिश के मौसम में जैसे दवा को आप लोग छिड़काव कर देते हैं और तुरंत अगर बारिश आ जाता है तो उसका रिजल्ट जो है वो 0% मिलता है, लेकिन अगर आप लोग उसमें वेट सीड डाल देते हैं और छिड़काव करते हैं और एक घंटा बाद भी बारिश भी आ जाता है लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो 100% आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये होता है वेट सीड का आप लोगों का फायदा, और भी बहुत सारे फायदा इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि भाई आखिर हम लोग वेट सीड को कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेट सीड को आप लोग दोस्तों फसल का किसी भी स्टेज में छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप लोगों का अर्ली स्टेज हो गया, चाहे फ्लावरिंग स्टेज हो गया, चाहे फ्रूटिंग स्टेज हो गया, किसी भी फसल पर किसी भी स्टेज में आप लोग छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोगों को बात की जाए कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों जैसे कि मान के चलिए आपका किसी भी फसल में इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने जा रहे हैं, या फिर अगर फंगीसाइड का छिड़काव करने जा रहे हैं, या फिर पीजीआर को छिड़काव करने जा रहे हैं, या फिर खरपतवार नाशक को छिड़काव करने जा रहे हैं, तो उसके साथ आप लोगों को इसको मिला करके छिड़काव करना है। और इसका डोज की बात की जाए तो 150 ml 150 लीटर पानी में मिला करके एक एकड़ में छिड़काव करना है, और 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से आप लोगों को वेट सीड को मिला करके छिड़काव करना चाहिए। कमाल का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को ये भी बता देते हैं, अगर आप लोग वेट सीड को दवा के साथ मिला करके छिड़काव करते हैं तो कोई भी प्रकार की स्टिकर को मिलाने का कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ बात की जाए ये मार्केट में पैकिंग साइज और प्राइस के ऊपर, तो मार्केट में ये 50 ml 100 ml 250 ml 1/2 लीटर या फिर 1 लीटर का फाइल आसानी से मिल जाएगा, और प्राइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक यूनिक टाइप का प्रोडक्ट जो कि धनुका एग्रीटेक कंपनी का वेट सीड के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप लोगों का फिर भी मन में कुछ सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा।